दिल्ली में लगातार हो रही मानसून की बरसात के बाद दिल्ली की स्थिति बेहद ख़राब हो गई है। तमाम इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। इस वक्त आईटीओ के छठ पे हूँ, यहीं पर छठ पूजा होती है और आप तस्वीरों में देखते हैं कि ये उफान मारती यमुना है, जिसमें अभी जो है यमुना का जल स्तर है वो खतरे के निशान से बढ़ गया है। और लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पानी का बहाव यमुना में है वो उसकी गति तेज हो गई है। सरकार के तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है और अरविंद केजरीवाल ने यमुना में बढ़े जल स्तर को लेकर कल ही उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी और उन्होंने कहा था कि जैसे ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहेगी इसके लिए तत्काल सरकार के तरफ से जो ज़रूरी इंतज़ाम किए गए हैं, आसपास के जो इलाके हैं, यमुना बिहार की बात कर लें या फिर कश्मीरी गेट के जो यमुना जो लोहे वाली पुल है वहाँ की स्थिति है, तो ये तमाम जगहों की स्थिति ख़राब होती जा रही है। लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि यमुना के जो उस तरफ का तट है वहाँ पर तमाम ऐसे किसान रहते हैं जो फसल की उगाही करते हैं, उन तमाम इलाकों में पानी भर चुका है, वो एरिया बिल्कुल प्रभावित हो चुका है। सरकार की तरफ से लगातार राहत कार्य चलाने की कोशिश की जा रही है और उसे राहत कार्य में दिल्ली सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मुस्तैद हैं। जो लोहा पुल है जिससे रेलवे का परिचालन होता है, रेलवे ने अभी तत्काल उस पुल को बंद कर दिया है। वहीं कश्मीरी गेट से जब आप आईटीओ की ओर आते हैं तो वहाँ पर जो पुराना लोहा पुल के नीचे से जो फुट ओवर ब्रिज बना था उसको भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। लगातार दिल्ली में हो रही बारिश के बाद स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है और सरकार का कहना है कि उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए ऐसी स्थिति राजधानी दिल्ली में बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार, मंगलवार और रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया था पानी को लेकर, लेकिन आज अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है। आज बारिश की उम्मीद नहीं जताई जा रही है, लेकिन उमस भरे हालात से लोगों को परेशानी ज़रूर है। तस्वीरें सीधा आप आईटीओ से देख रहे हैं कि इस तरीके इस तरफ आप देख सकते हैं कि प्रशासन के तरफ से वो उचित व्यवस्था की गई थी कि अगर जल स्तर में बढ़ोतरी होती है तो कुछ यहाँ पर मिट्टी है इसे लगाकर इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर नमल हैं, मंडावली में रहता हूँ। क्यों आए हैं? पानी जब बढ़ रहा है इसलिए। इससे पहले ऐसी स्थिति होता, लेकिन जैसे इस टाइम कभी नहीं हुआ है। इस साल ज़्यादा इस साल ज़्यादा और हर साल। तो कुल मिलाकर कहें कि यमुना की स्थिति अब धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, जल स्तर में बढ़ाव हो रहा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम हमजा है। कहाँ से हैं? मैं यहीं दरियागंज से हूँ। क्यों आए हैं यमुना? मैं यमुना देखने के लिए आया हूँ। मैंने सुना था कि पानी का स्तर जो है बढ़ गया है, तो यही देखने के लिए आया हूँ मैं। मैंने बात भी करी थी कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं कि जुलाई में जो रिकॉर्ड है वो 51 साल का रिकॉर्ड टूटा है पिछला, और जल स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एंड ये 2010 में इस पर पुल पर पानी थोड़ा बहुत टच हो गया था लोहे पर, बट अभी ऐसा नहीं है। हाँ 2010 में, 2010 के बाद ये सिचुएशन आई है अब कि इस लेवल पे पानी आ चुका है। आपका नाम क्या है अंकल जी? मेरा नाम है रमेश अरोड़ा। अच्छा, आप तो वरिष्ठ नागरिक में आते हैं, आपने तो कई बार ऐसा मंजर देखा होगा। हाँ हाँ, मैंने बहुत बार देखा है। मैं आज भी थोड़ा ये देखने आया था कि पानी किस स्तर पे आ रहा है, और पानी यहाँ पे आईटीओ का जो ब्रिज है यहाँ से बहुत ही ऊपर है, और उम्मीद करते हैं कि शाम तक शायद ये और भी ऊपर जाने की उम्मीद है, जिस हिसाब से पीछे हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर यमुना से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और सरकार की तरफ से उचित व्यवस्था की गई है। कल एलजी विनय सक्सेना के साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी मुलाकात हुई है, जिसमें दिल्ली में तमाम तरह के जल जमाव और यमुना की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की गई है। इसके साथ ही आज एलजी विनय सक्सेना खुद यमुना बाज़ार के इलाकों में, यमुना से जो भी सटे इलाके हैं उधर वो सुबह जायजे पर आए थे और उन्होंने कहा है कि सीवर सिस्टम की सफाई नियमित रूप से नहीं होती है, इसलिए दिल्ली में जल जमाव की स्थिति बनी है। सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने यमुना में बढ़े जल स्तर को लेकर एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि हथनी कुंड बैराज से अधिक मात्रा में हरियाणा की तरफ से पानी छोड़े जा रहे हैं।
ये भी कारण है यमुना में जलस्तर की बढ़ोतरी का। कुल मिलाकर कहें कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है और राहत कार्य चलाई जा रही है। लेकिन मौसम दिल्ली में आज से बदला है और अब बारिश की उम्मीद शायद आज न हो, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से यमुना के जलस्तर में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, लोगों को परेशानी न हो इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।